प्रदेश में मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। किसी भी बोर्ड से मान्यता ना लेने वाले मदरसे अब बंद होंगे। मुख्य सचिव ने इस बड़े निर्देश को जारी किया है। जिलों में बिना मान्यता के संचालित मदरसों के चिन्हीकरण के लिए कमेटी का गठन किया गया है। मदरसों को बंद कर सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पहले भी ये कहा गया था कि जो मदरसे हैं, कई मदरसे ऐसे हैं जिनको की जो सामान्य स्कूल है उसकी श्रेणी मिलाकर खड़ा किया जाए। अब एक बड़ी खबर आ रही है, किसी भी बोर्ड से मान्यता न लेने वाले मदरसे बंद किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलों में बिना मान्यता के संचालित मदरसों के चिन्हीकरण के लिए कमेटी का गठन किया गया है। मदरसों को बंद कर सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराया जाएगा। बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, इससे पहले भी हमने देखा था, कहा यही गया था कि बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनको सामान्य स्कूलों में ले जाया जाए ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा उसी तरह से हो, और अब ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है कि आपको किसी ऐसे एफिलिएटेड सरकारी संस्थान से मान्यता लेनी होगी, नहीं तो आपकी जो मदरसों की मान्यता है उसे रद्द कर दिया जाएगा। चलिए, संकेत से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबर एक बार फिर से बता दे, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में मदरसों से जुड़ी हुई। किसी भी बोर्ड से मान्यता ना लेने वाले मदरसे बंद किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने इस बात के कड़े निर्देश दे दिए हैं कि जिलों में बिना मान्यता के संचालित मदरसों के चिन्हीकरण कर एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। और अब बात रॉबर्ट वाड्रा की करते हैं। तो अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा तब रॉबर्ट वाड्रा ने जता दी है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू में अमेठी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी पर भी हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेठी से मेरा रिश्ता 1999 से रहा है और मैं चाहता हूं कि अमेठी की जनता के लिए मैं वहां से खड़ा हूं। इस तरह की इच्छा रॉबर्ट वाड्रा ने जताई है और साथ ही साथ वहां की जो मौजूदा सांसद हैं स्मृति ईरानी, उन पर भी सवाल खड़े किए हैं। और उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अमेठी, जहां पर एक बार फिर बीजेपी ने स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल को कई बार अमेठी वापस लौटने के लिए पत्र लिखा, अपील की, लेकिन राहुल गांधी वायनाड से टस से मस्त नहीं हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहां से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहां वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहां तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहां अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। तो रॉबर्ट वाड्रा की बात आपने सुनी, किस तरह से उन्होंने अमेठी की जनता के लिए कहा कि मैं वहां से खड़ा होना चाहता हूं, वहां के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। गांधी परिवार से हमेशा से अमेठी का नाता रिश्ता रहा है और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के लोगों को बुलाने के लिए जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में मैं चाहता हूं कि अमेठी से मैं खड़ा हूं और चुनाव लड़ूं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी तमाम तरह के बयान अब इसे लेकर आने लग गए हैं। और रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बीजेपी ने तुरंत हमला बोला। पार्टी ने अमेठी से अपनी जीत का भरोसा जताया और रॉबर्ट वाड्रा पर तंज भी कसा। जमीनी पकड़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। ऐसे में अब एक बहुत जमीन पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा। ऐसे लोग जो अमेठी से पलायन कर गए, जिनका 5 साल से अमेठी से उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, वो ये तय करेंगे। ये निर्णय अमेठी की जनता को करना है और अमेठी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
और राहुल गांधी अमेठी लौटेंगे या फिर यहां से गांधी परिवार का नाता रिश्ता टूट जाएगा, इस पर भले सस्पेंस है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त देने वाले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वायनाड तक पहुंच गई। दरअसल केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, यह फैसला पहले ही हो चुका है। हालांकि बीजेपी की दिग्गज नेता स्मृति ईरानी अमेठी के बाहर भी वायनाड में राहुल गांधी को ललकार रही है। इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन दोनों तस्वीरों की हकीकत जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अमेठी से बचकर निकले राहुल गांधी अब वायनाड में भी फंस चुके हैं। वैसे बीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है, अमेठी वालों से पूछ लो। अमेठी का मैदान छोड़कर वायनाड से नामांकन करने वाले राहुल गांधी त्रिकोणीय समीकरण में घिर चुके हैं। एक तरफ वो अपने ही गठबंधन साथी सीपीआई के निशाने पर हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रन के समर्थन में अब स्मृति ईरानी भी चुनाव प्रचार कर रही हैं। हथियार डालकर टिकट बदलकर ये संकेत दे दिया कि देश जो कह रहा है वो सत्य हो रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार। वायनाड में भले ही राहुल गांधी ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की हो, लेकिन उस शक्ति प्रदर्शन के जवाब में अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता वायनाड के रण में राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ने कहा कि अगर राहुल गांधी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से शर्म आती है तो उन्हें उनका समर्थन अस्वीकार कर देना चाहिए। उन्होंने अमेठी को लेकर भी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। दरअसल अमेठी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए। स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से उन्हें हराया। स्मृति ईरानी इस बार भी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी अभी तक तय नहीं है, और यही वजह है कि स्मृति ईरानी अमेठी के बाद राहुल गांधी को घेरने के लिए वायनाड में चुनाव प्रचार कर रही हैं। ये ठीक है कि वायनाड एक तरीके से लोकप्रिय क्षेत्र है राहुल के लिए, और राहुल गांधी ने वहां अच्छी जीत हासिल की थी पिछली बार, और इसीलिए उन्होंने वो क्षेत्र भी चुनाव पसंद किया, सिक्योर्ड भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीते को हराना नहीं चाहती, बल्कि जीते हुए आदमी को भी वो एक प्रेशर में रखना चाहती है। खैर, राहुल गांधी पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए स्मृति ईरानी अमेठी के बाद वायनाड के मैदान में हैं, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रोड शो कर रही हैं और निशाने पर राहुल गांधी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।